जिले में जो जोरदार आशीर्वाद आपने दिया, पार्टी गठन के बाद पंचायत चुनाव में जिस तरह आपने उम्मीदवार उतारे और लंबे चौड़े प्रत्याशियों की जो सूची मेरे पास आई है, इसे देख के लग रहा है कि मिशन 23 को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 के अंदर राजस्थान में अपना परचम फहराएगी। भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी नवनिर्वाचित, इनको बधाई देता हूँ। प्रताप जी आंजना हमारे प्रदेश के मंत्री, इनको भी बधाई देता हूँ। प्रताप जी को बाबूलाल जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, गुमान सिंह जी राजपुरोहित और लक्ष्मण जी पटेल ये प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पदम सिंह जी और से पदम सिंह जी भूमिया, पदम सिंह जी को लिया नहीं लिया, ठीक है। आप सम्मानित मंच मेरे साथ पधारे हुए आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष, गोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हमारे तीन विधायक आरएलपी के गोपालगढ़ से टुकरा जी गर्ग, पिछली बार तो आरएलपी जो जीते थे हम 100 किलोमीटर के एरिया में जीते थे, खेलता था मैं जीता था, गोपालगढ़ से ये जीते थे और मेड़ता थे इंदिरा बावरी जीती थी, फिर मैं एमपी बन गया और मेरा छोटा भाई वापिस, मतलब 100 किलोमीटर की रेंज में विधायक जीते। वोट तो पूरे राजस्थान के अंदर लिए थे आरएलपी पार्टी ने, समय कम था और हमारा कोई राज का मकसद नहीं था, हमने हुंकार भरी थी राजस्थान के अंदर हमारे भाइयों को न्याय दिलाने की, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, छोटे भाइयों को रोजगार, जो खाली पद पड़े 4 लाख वो भरने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और राजस्थान के अंदर कानून का राज लाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी। फिर बाड़मेर आया था, आपके जिला के अंदर भी रंगाला और कई गांव के अंदर बाबूजी कार्यक्रम थे, इस इलाके में भी हाजिर देके गया था और बाड़मेर के बाद बीकानेर, सीकर और जयपुर, और हमारी हुंकार का परिणाम ये निकला कि वसुंधरा सरकार ने उस समय 50,000 नौकरियों की घोषणा की, हाथोहाथ स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए और 5 हॉर्स पावर मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी थी। ये हनुमान की हुंकार का ही परिणाम था, सरकारें डर गई और भाइयों पार्टी का गठन किया और जयपुर में 5 लाख लोगों की उपस्थिति के अंदर नई पार्टी का गठन हुआ। पहली बार किसी किसान के बेटे ने खुद की पार्टी राजस्थान के अंदर बढ़ाई और उसके बाद 19 दिन में 57 उम्मीदवार उतारे राजस्थान के अंदर और 57 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों ने अच्छे वोट दिए, कई जगह दूसरे नंबर पर है, 3 सीट हमने जीती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बसपा पार्टी जो दलितों के हितों की बात करती है वो एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक न बना पाई और आरएलपी पार्टी ने 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, जिसमें एक हमारे भोपालगढ़ के विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शायद राजस्थान के अंदर बहुत लंबे अरसे के बाद इन बड़े दलों ने कभी शेड्यूल कास्ट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष एक किसान के बेटे को, दलित के बेटे को बढ़ा के संदेश दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की तीसरी ताकत है, वो राजस्थान के जवान और किसान के हितों के लिए संघर्ष करेगी। भाई रोज आप अखबार में पढ़ते हो, आजकल तो फोन पे आप हर चीज देखते हो, आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले एक देवासी समाज का बालक हमारे इलाके का जो जयपुर के अंदर कांस्टेबल का एग्जाम देने गया, एक रईस जादी शराब के नशे में चूर एक बड़े बाप की बेटी ने 150 की स्पीड से गाड़ी चढ़ा दी और बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान में किसी ने बात नहीं करी, मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने मेरी आरएलपी की टीम को हॉस्पिटल भेजा, राजस्थान की सरकार को झुकाया, उस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिलाया और मुकदमा भी दर्ज कराया और उस रईस बाप की बेटी का इलाज भी कराया। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, दीपावली से 2 दिन पहले जब लोग धनतेरस पे दीपावली की पूजा की तैयारी कर रहे थे, सारे लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों पे थे, नागौर का सांसद
किसान के दो बेटों की निर्मम हत्या जोधपुर में हुई, उनकी लाश फेंक के चले गए, उनको न्याय दिलाने के लिए इस पूरी टीम के साथ जोधपुर में पैदल मार्च किया, कमिश्नरेट का घेराव किया, 20 लाख रुपए सरकार से मुआवजा दिलाया और हत्यारों को गिरफ्तार कराया, और कोई दो चार बचे हुए तो एक दो दिन के अंदर उनको भी लाके और जेल के अंदर डलवाऊंगा और 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरी करा के आजीवन कारावास की सजा उन बदमाशों को दिलाऊंगा। भाई और राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर अगर किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ अपराध हो और हनुमान बेनीवाल को अगर याद किया तो निश्चित रूप से हनुमान उस जगह उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पहुंचा। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, आपने जालौर जिले के अंदर भी मुझे फालतू घूमते हुए नहीं देखा होगा दूसरे नेताओं की तरह। कई दूसरे नेता आते दो समाजों को लड़ा के और भाग जाते हैं। मैं आया कभी जालौर? नहीं लड़ाया ना आपको? और जालौर का किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाता है उसको गले लगा के एक ही बात कहता हूँ, मेरा मारवाड़ का भाई है, जालौर और नागौर में कोई अंतर नहीं, हमारी एक संस्कृति है और हम सब एक है। जालौर सिरोही से उतना ही प्यार करता हूँ, पाली से उतना ही प्यार करता हूँ जितना नागौर बाड़मेर और जोधपुर से प्यार करता हूँ। भाइयों, कोरोना के खात्मे के बाद कोरोना से दुनिया थम गई, मैंने भी कोरोना का दंश झेला, लेकिन आपकी दुआ और आशीर्वाद से जल्दी बाहर आ गया और ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि आप देखो अकेले व्यक्ति ने प्रदेश से चिंतित है टिकट भी बांटे, जिला अध्यक्ष ने घोषणा भी करी, प्रचार के लिए राजस्थान के कोने कोने के अंदर घूम रहा हूं। आप देखोगे रात को 2 बजे जालौर के अंदर हूं, 7 बजे मुझे नागौर जिले में रोड शो करता हो देखोगे, रात को घूमता हो देखोगे और 22 और 23 और कहीं देखोगे, फिर वापिस आके और हर जगह आप हनुमान बेनीवाल को 24 घंटे संघर्ष करता हो देखोगे। ये भगवान की कृपा है। अपन के साथ इस राजस्थान के भूगोल को देखा, प्रत्येक कोने के अंदर गया, किसी आदिवासी भाई को तकलीफ हुई तो उस आदिवासी का दर्द मिटाने के लिए भी हनुमान उसके घर पहुंचा। चंबल के भीड़ के अंदर डाकुओं के आतंक से बड़े बड़े नेताओं की सीटी पीटी गुम हो जाती है, जब जगन गुर्जर जैसे डाकू के आतंक से लोग घरों में भाग गए थे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बोला कि जगन का एनकाउंटर कर दो और 2 दिन के अंदर जगन सरेंडर हो गया आपके घर के माने। भाइयों, बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से राजस्थान कांपता था उनको भी सही रास्ता दिखाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये तो हमारे बच्चे नौजवान समझते नहीं है। सोशल मीडिया पे आजकल भगत सिंह की जगह और अपराधियों की फोटो लगाते हैं, उसमें जो अपना मोबाइल होता है उसका स्टेटस जो डालते हैं उसमें एक अपराधी के साथ अपनी फोटो खींचा के, और कोई जो गैंग बना रखा है 001, 002, 00, ये कौन सी गैंग है भाई बताइए, क्या बना दिया, ये क्या दुकानें चल रही राजस्थान के अंदर, आम आदमी कैसे जिएगा, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी, ये सब छोरे कोई तो इसमें पी के भाग रहा है, कोई नशा करके भाग रहा है, इनको कौन ठीक करेगा, इनको ठीक कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी। पहले इतना नशा नहीं था राजस्थान के अंदर, लेकिन वसुंधरा के आने के बाद राजस्थान नशे में डूब गया। एक नारा लगा राजस्थान के अंदर 8 PM नो CM सूर्य अस्त वसुंधरा, ये नारा राजस्थान के अंदर, और ये सूर्य अस्त की बात नहीं थी, मैं तो बीजेपी में रहा हुआ हूँ, वसुंधरा को नजदीक से जानता हूँ मैं, वो तो सूर्य अस्त से पहले सुबह उठते ही दारू की बोतल खोल लेती थी और सुबह से लेकर रात तक पीती थी, कई बार तो सप्ताह में 5-5 दिन तक दारू पीती थी, वो तो पीती थी सारी, और मिनिस्टर हमारे कहते थे कि साहब मिलन कहाँ पे, मैडम तो मस्त हो रखी है और दुनिया भर की फाइलें टेबल पे पड़ी है, क्योंकि CM के साइन होते हैं ना फाइल पे, तो ले जाएगा कौन उनके पास। तो भाइयों, मेरी लड़ाई वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से थी, और अब की बार आपने देखा होगा
जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा प्रकट हुई और फीस विधायक अशोक गहलोत को दे दिए। मेरा दुनिया का खेल राजस्थान के अंदर चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराओ देश के अंदर। तब अशोक गहलोत एक कानून लेके आए कि नहीं, बंगला खाली नहीं करूंगा वसुंधरा का, इसको तो मेरे सामने वाले घर में ही रखूंगा और उसके सामने वाले घर में वसुंधरा रहती है। इससे बड़ी क्या बात होगी बताओ? राजस्थान की जनता के आंखों पर ऊपर पट्टी बांध के किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं? भाइयों तैयारी कर लो, गहलोत का बेटा हारने के बाद गहलोत बौखला गया, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है कि मेरे बेटे को विधायक कैसे बनाऊं, मेरे बेटे को सांसद कैसे बनाऊं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचाऊं। भाइयों हनुमान बेनीवाल जैसा त्याग समर्पण इस राजस्थान में कोई नेता नहीं कर सकता। चार बार राजस्थान में मंत्री पद को ठोकर मारी और एक बार दिल्ली में ठोकर मारी। अगर RLP का BJP में विलय करता तो कैबिनेट का मंत्री होता। मैंने कहा नहीं, विलय नहीं करूंगा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं उनको धोखा कैसे दे सकता हूं। लाखों लाख लोगों के बीच मैंने कहा था इस पार्टी को सत्ता के अंदर लेके आऊंगा, छत्तीस कौम को साथ लेके चलूंगा। जालौर के भाइयों को एक ही भरोसा दिलाता हूं कि जालौर के अंदर हो सकता है कि मेरी जाति की संख्या कम होगी, लेकिन दूसरे जितने भी किसान हैं, छत्तीस कौम के मेरे भाई है, वो मुझे अपना भाई मान सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को उनकी सेवा के अंदर हनुमान हमेशा तत्पर रहेगा। आज मां के देख लेना, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपको लड़ाई के मैदान में अकेला छोड़ के नहीं भागूंगा और आपस में समाजों का टकराव नहीं कराऊंगा, समाजों का मिलन कराऊंगा। छत्तीस कौम को आके लेके मैं नए राजस्थान के निर्माण की बात करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा जालौर की वीर धरती को कि रात को 2 बजे भी 7 घंटे लेट हूँ फिर भी आप मेरा इंतजार कर रहे हो। माताएं बहने बैठी है, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, आपने हनुमान का इंतजार किया, अगर आवश्यकता पड़ी तो हनुमान खुद आपके लिए 7 दिन तक बैठना पड़ा तो जिले को न्याय दिलाने के लिए 7 दिन तक सड़क पर बैठेगा। भाइयों 2 बज गई, मुझे भी जाना है, इसलिए एक ही बात कहूंगा कि रात को 2 बजे अगर आपके बीच आया हूँ, BJP कांग्रेस के वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न तो गहलोत हटेगा न वसुंधरा आएगी। अगर RLP जीते, हाँ ठीक है, तो शगुन अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज्यादातर लोग चुनाव जीत के गए तो देश में मैसेज जाएगा, राजस्थान में मैसेज जाएगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी खत्म करने के लिए तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हो गई है। इसलिए अपील करता हूं कि RLP के तमाम मंडल और जिला परिषद के मेरे भाइयों बहनों को भारी वोटों से जिताएं और बोतल के चिल्क की गूंज दिल्ली तक पहुंचाएं, अपने भाई को मजबूत करें, क्योंकि लोकसभा के अंदर जालौर नहीं पूरे राजस्थान का, चाहे टिड्डी का मामला हो उसमें मुआवजे की घोषणा हनुमान बेनीवाल ने देश की लोकसभा के अंदर मामला उठा के कराई, या दूसरे कोई मामले हो, तमाम मामलों में आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ छोड़ने वाला नेता नहीं हूँ। आप सब सहयोग करना, हमेशा हनुमान आपकी सेवा के अंदर तैयार रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।